तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ मैगी, और आप लोगों को भी बताऊँगी कि मैगी कैसे बनती है। तो फटाफट से हमने तेल डाल दिया है, और मैं क्यों बना रही हूँ आप लोगों को बताते जाऊँगी और बनाती जाऊँगी। तो पहले हमें तेल डाल देना है, फिर उसके बाद में हमें डाल देना है ये धुआर के साथ। फिर कुछ अपनी डाल सकते हैं आप लोग। मैं बताती हूँ कि मैं किस लिए बना रही हूँ, कि मैं अपनी बहन के लिए बना, जो कितने स्कूल से आई अभी। तो फिर सोनम कह रही है कि दीदी मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो खाना खा लो। फिर दीदी मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे कुछ अच्छी चीज़ खाना है। फिर उसने कहा कि खाना नहीं खाना है, मुझे अच्छी चीज़ खाना है। तो मैंने कहा भाई क्या बनाओ तुम्हारे लिए। तो उसने दिमाग अपने पकड़ा, ऐसे ऐसे करने लगी क्या बनाऊँ सोनम को कह रही हूँ मैं। तो अपने कहा उसने कहा कि दीदी मेरी मनपसंद मैगी बना दो। मैंने कहा भाई मैगी बनाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ और बता घर के सामान में बनाने के लिए। तो फिर मैंने अब दीदी से मैगी डाल दी। तो मैंने उसने कहा नहीं दीदी मुझे पैसे हो या ना हो, मुझे बस खाना है मैगी खाना। तो उसने कहा बाबा अब तुम शोर मत मचाओ, कैसे बनाऊँ? तो उसने कहा कुछ भी करके मुझे मैगी चाहिए। मैंने कहा मुझे तो पागल हो गई, जब घर में पैसे नहीं है तो कैसे बना दूँ। तो कह रही है कि दीदी आप गुल्लक में से नहीं निकालो, तो बड़ी होशियार थी, कहती है गुल्लक में से निकालो। तो मैं कहती हूँ गुल्लक में निकालो, इतनी मेहनत कर करके डालती हूँ, मुझे कहती हूँ गुल्लक में निकालो। तो कहती है दीदी मेरी खुशी के लिए इतना कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई बना देती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आपकी डिमांड पूरी कर देती हूँ। तो बड़ी खुश हो गई, कहा दीदी आप बहुत अच्छी हो, मुझे गले लगाने लगी, कह रही है आप बेस्ट दीदी हो, दुनिया में सबसे अच्छी दीदी हो। अरे मैंने कहा कि अब जैसे मस्का मत लगा, चुपचाप से बनाती हूँ, वरना बनाऊँगी भी नहीं, जैसे मस्का लगाई देते। कहते अच्छा नहीं नहीं मैं नहीं मस्का लगाऊँगी। फिर अभी इसमें पानी डाल दीजिए और बाद में मसाला डालूँगी। अब देखिए हो गए हैं, और अभी हमें नमक डाल देना है, थोड़ा सा पीसा नमक डालते हैं। फिर जब मैंने कहा कि बना दूँगी तो इतनी खुश हुई, भगवान ही जाने कितनी खुश हो गई थी। हमने चार मैगी ली थी, और उसमें के हिसाब से मैंने सब कुछ डाला था। चलिए सब कुछ, वैसे नमक थोड़ा ही डालना, क्योंकि मसाले में तो हल्का हल्का नमक पड़ा नहीं था, मैंने कम ही नमक डाला है। तब इसे हमें ढक देंगे, हम इसे ढक देंगे क्योंकि छोटा सा ही थोड़ा सा ही, यार उससे ढक ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं बड़े वाले प्लेट से ढक देती हूँ, क्योंकि ये बड़ा वाला प्लेट ही कढ़ाई के लिए एकदम सूट होता है। क्योंकि मुझे और थोड़ा पानी डाल देना चाहिए, क्योंकि मुझे ना गीली वाली ज़्यादा पसंद होती है, और अगर गीली नहीं होती तो मुझे पसंद नहीं आती, और मेरी पैर को भी नहीं पसंद आती है गीली। तो गाइस मुझे ना थोड़ा, मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, तो इसीलिए मैं थोड़ा और डाल दूँगी नमक, क्योंकि नमक से ही तो अच्छा लगता है, अगर नमक कम होगा तो क्या अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसे जला देती हूँ। हल्का भी बनाए तो थोड़ा इसमें पानी है, तो फटाफट से पहले हम इसमें थोड़ा पानी गाड़ेंगे नहीं, अभी इसे अच्छे से और बन जाने देते हैं। तो गाइस हमारी ये मैगी बन चुकी है, और उतारने जा रहे हैं, और अब हम इसे उतारने के बाद आलू चढ़ा देंगे। आलू बनने के बाद बाय गाइस, रुको पे आप लोगों को खाकर तो दिखाती हूं। तो गाइस अब हम सोनम के खातिर निकालते हैं और खाएंगे। सोनम तुझे बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी ना, अब उन्हें ठोस ठोस कर खिलाएंगे अगर नहीं खा पाई तो। चलिए सोनम को देखते हैं, और सोनम चलिए आपको खिलाते हैं। सोनम को खिलाने जा रहे हैं और नहीं खा पाई ना। अरे यार पहले इसे सराह तो जाने दो, यार सराहाया नहीं है अभी, जब फूक फूक कर सरवा देते हैं। चलो खाओ, खिला रहे हैं, बोले खाओ पहले आमा मुवा फटाफट खा यार। गाइस बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, बहुत ज्यादा मस्ती हो गई। बाय बाय।